हेलो एवरीवन, दिस इज युवराज कुर्चर एंड टुडे विल स्टार्ट डायनेमिक स्पोर्ट पार्ट। ठीक है, स्टैटिक्स में वी हैव कवर्ड दिस कॉमन कैटेनरी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम। सो दीज इनफैक्ट तीन टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें जो बैलेंस टॉपिक है जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज इन थ्री डिमेंशन, ठीक है, ये सब एक्चुअली जब मैंने मैकेनिक्स में मोशन इन टू डिमेंशन डिस्कस किया अबाउट वन एक्सिस एंड ऑल दोस, उसमें इनफैक्ट वर्क एनर्जी का भी यूज़ हुआ है, फ्रिक्शन का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, वर्क एनर्जी तो इनफैक्ट लैग्रांजियन, हैमिल्टन, वो सब भी दे आर बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी ओनली, तो वहाँ भी डिस्कस किया है। ठीक है, बट स्टिल आई विल डिस्कस दिस वर्क एनर्जी। इनफैक्ट दिस इज पार्ट ऑफ डायनेमिक्स एज वेल, सो विल कंसिडर दिस हियर। ठीक है, और जो फोर्सेज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज है इसका भी आई विल टेक वन और टू लेक्चर। ठीक है, फ्रिक्शन का भी आई विल टेक इन दैट लेक्चर ओनली। ठीक है, सो फॉर राइट नाउ विल स्टार्ट डायनेमिक्स पार्ट। ठीक है, सो डायनेमिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन इज देयर, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज देयर, मोशन इन अन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल्स, कंस्टेंट मोशन, केपलर्स लॉ, ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस, सो दीज आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन डायनेमिक्स। ठीक है, सो इनफैक्ट इसमें देखो लेट स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल्स। ओके, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2018 में पूछा है प्रोजेक्टाइल्स से, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में मोर ऑफ की मैनिपुलेशंस वाला पार्ट है, थ्योरीज की बहुत इजी है। ठीक है, बस इसमें जैसे कि प्रूव करने के लिए दे दिया जाएगा हाइट, रेंज एंड ऑल दो स्टफ्स, तो इसमें बस वही है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज आसान है क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल्स, फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इफ वी इनफेक्ट थ्रो अ बॉल और एनी ऑब्जेक्ट विद अ मास एम इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, देन इट विल ट्रेस अ पाथ लाइक दिस। ठीक है, सो दिस पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। ठीक है, दिस इज ट्रेजेक्टरी एंड इनफैक्ट दिस सेटअप इज प्रोजेक्टाइल, और दिस ट्रेजेक्टरी इनफैक्ट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अनलेस वी थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में जाके वापस आ जाएगी, सो तब तो वी वॉन्ट गेट दिस प्रोजेक्टाइल, दिस ट्रेजेक्टरी। ओके, अदरवाइज दिस ट्रेजेक्टरी विल बी फॉर्मड, एंड वॉट वी आर एज्यूमिंग हियर दैट देर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ओनली द यूनिफॉर्म only force which is acting is the weight of the body that is due to uniform gravity. ठीक है, we are assuming that gravity is constant and its value is c. ठीक है, we are not assuming कि this is a function of distance from center of earth and all those stuffs. ठीक है, so basically projectile क्या होते हैं, projectile is a trajectory traced by an object thrown in vertical plane. ठीक है, of course under uniform gravitational force. ठीक है, simple सी definition है, एंड यहाँ पे जो ऑफ कोर्स जो हम इसको थ्रो करेंगे दैट वॉन्ट बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मीन्स जो थ्रो का एंगल होगा वो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे 90 डिग्री नहीं हो सकता। ओके, अदरवाइज तो ट्रेजेक्ट्री ट्रेस नहीं होगी। ठीक, आया भी समझ में आता है। अब देखो, अच्छा इससे पहले कि वी डिराइव इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री रेंज एंड ऑल दो स्टफ्स, इस चैप्टर में जो पैराबोला है, पैराबोला जो कर्व होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बिकॉज जो ट्रेजेक्ट्री इसमें बनती है वो एक पैराबोला की होती है। सो पैराबोला थोड़ा इसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स लेट अस डिस्कस। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स पैराबोला। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप कुछ, ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए कॉमा जीरो। ठीक है, ओके, एंड
लेट से दिस इज 0,0, लेट इस ड्रॉ दिस लाइन जिसकी इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, लेट से देर इज दिस पॉइंट पी जिसके की कोऑर्डिनेट 80² 280 है, वे टी इज ए पैरामीटर। देखो इसमें अगर एक्स को 80² पुट करेंगे तो वाई अपने आप 280 आ जाएगा। सो दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 80² एंड वाई इक्वल्स टू 280, दिस इज फॉर दिस पैराबोला। ठीक है, अगर पैराबोला मान लो ये है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो उसके लिए डिफरेंट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगे इनफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये हो गई। अब देखो इसमें ये जो दिस लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस एक्सिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स पैराबोला एंड दिस इज वर्टेक्स, ओ इज वर्टेक्स, ठीक है, एंड लेट अस डिनोट दिस एस, एस इज 0,0, दिस इज फोकस, दिस इज फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एंड दिस लाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि ये जो है ये यहाँ पे 90 पे ये जो कोड है, ऑफकोर्स कोई भी यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे तो दिस विल बी कोड ऑफ पैराबोला, दिस इज कोड ऑफ पैराबोला, पर ये जो कोड है दिस इज पासिंग थ्रू दिस फोकस जो कि 1,0, सो दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम फोकल कोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला इज नोन एज लेटस रेक्टम। तो देखो अगर इसमें x की जगह a पुट कर दिया जाए, दिस इज a, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो a होगा, तो y क्या आएगा, प्लस माइनस 2a, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ कहीं p a मान लो ये 80² 280, अब हमारे पास जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कोमा y क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2a, तो a यहाँ पे माइनस 2a। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेट अस से दिस इज p एंड दिस इज q, नॉट पी क्यू, पी तो हमने पहले ले लिया, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो जो ए बी है दैट इज लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, व्हेन वी से लेटेस्ट रेक्टम इट मीन्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ओनली, सो दिस इज 2a एंड माइनस 2a, दोनों यहाँ से 2a, यहाँ से 2a, दिस इज 4a, ओके, ये सब काम में आएंगे हमारे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, डिस्टेंस ऑफ, देखो डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम वर्टेक्स इज a, ठीक है, एंड फ्रॉम फोकस इट इज 2a, ठीक है। और इसमें देखो अब और इसमें क्या हो सकता है, बस दीज आर थिंग्स, और ये से कोई जनरल कोड है जो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के तो उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक। अब देखो इसमें अब ये पैराबोला हमने ले लिया, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये पॉइंट कोई भी जनरल ले लिया हमने 80² 280। अगर देखो इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट 80² 280 है, तो ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होती है, डीवाई बाई डी एक्स, दैट कैन बी रिटन एज डीवाई बाई ओवर डी टी एंड डी एक्स ओवर डी टी, ऐसा लिख सकते हैं चेन रूल से। अब डी वाई ओवर डी टी करेंगे तो क्या आएगा 2a, डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो 280, सो दिस इज 1/t। तो यहाँ पे जो स्लोप है इसकी, लेट अस डिनोट दैट बाय m, दैट विल बी 1/t, ठीक है। अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, x एक्स एंगल थीटा मान लो, सो टेन थीटा इज 1/t, ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। और अगर इसमें देखो, अगर मान लो यहाँ से ये फोकल कोड है कोई, मान लो दिस इज नॉट लेटस रेक्टम बट फोकल कोड जो 1,0 से पास हो रही, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, और मान लो ये जो इस टेंजेंट को ये इस पॉइंट पे मिल रही है, लेट अस कॉल दिस आर,
ठीक है, अगर इसको T1 पैरामीटर दे दिया जाए, इसको AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा R जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट आएगा AT1T2 एंड AT1+T2। ठीक है, ये निकाला जा सकता है भाई, स्लोप पता है लाइन की, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन वी कैन राइट वाई इक्वल्स टू या वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। इससे वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट एंड ऐसे इसकी, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी दिस। अब देखो अगर इसमें T1T2 जो है, T1T2 को अगर -1 कर दिया जाए तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -A हो जाएगा। भाई ये क्या है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू AT1T2 एंड वाई इक्वल्स टू AT1+T2। ठीक है, अगर T1T2 -1 हो जाए तो एक्स इक्वल्स टू -A हो जाएगा, बट एक्स इक्वल्स टू -A क्या है, एक्स इक्वल्स टू -A तो क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू -A इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। सो वॉट वी कैन से, अच्छा T1T2 -1 कैसे होगा, देखो ये अगर ये पी है मान लो, एक क्यू है, तो अगर स्लोप ऑफ पी क्यू की बात की जाए, स्लोप ऑफ कोर्ड पी क्यू, तो ये क्या होगी, कोई भी जनरल कोर्ड है T1T2 पैरामीटर्स को ज्वाइन कर रही है, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 2AT1 माइनस 2AT2 वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ऐसा हो गया। सो देखो टू ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से टू बच गया, T1 माइनस T2 से कैंसिल हो गया T1+T2। ठीक है, तो एक ये भी है कि जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ कोर्ड ऑफ पैराबोला ये क्या आएगी, 2 डिवाइड बाई T1+T2। ठीक है, ये सब प्रोजेक्टाइल में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ इस टाइप के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट होंगे कि वहां पे हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसकी स्लोप हो गई, और देखो अगर फोकल कोड की बात करें तो ये तो A,0 से पास होगी। भाई अगर मान लो पी क्यू जो है वो फोकल कोड है, भाई ये हमारे पास पैराबोला है, ये मान लो पी क्यू है जो कि फोकल कोड है, इसका मतलब ये A,0 से भी जा रही है, ये इसका T1 पैरामीटर, ये T2 है, तो जनरल जो कोड है जो कि फोकल कोड नहीं है, मान लो ये कोई भी कोड है T1 T2 को ज्वाइन करिए, तो उसकी स्लोप ये होगी, बट फोकल कोड है तो ये जो है A,0 से पास हो रही है, तो ये पॉइंट क्या है, AT1 स्क्वायर कोमा 2AT T1, तो इसका अगर स्लोप की बात करें तो ये क्या आएगा, 2AT1 डिवाइड बाई AT1 स्क्वायर माइनस A, और दिस इज नथिंग बट 2, अगर T1 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 डिवाइड बाई T1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वी नो या ठीक है, और इसकी स्लोप क्या है, अगर ये फोकल कोड है तो इसकी स्लोप ये भी होनी चाहिए 2 डिवाइड बाई T1+T2। ठीक है, तो और इसको वी कैन राइट 2T1 डिवाइड बाई T1 स्क्वायर माइनस 1, और दिस इज 2T1 स्क्वायर प्लस 2T1T2 इक्वल्स टू 2T1 स्क्वायर माइनस 2, तो इससे हो गया ये कैंसल, इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ से आ गया हमारे पास T1T2 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, अगर कोई कोड है वो फोकल कोड है तो उसके लिए जो T1 T2 होंगे वो -1 होंगे, T1 इज द पॉइंट P और T2 इज द पॉइंट Q, तो दोनों एक्सट्रीमिटीज है फोकल कोड की। ठीक है, इसका मतलब अगर फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ खींचा है, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -A होगा, ये अभी मैंने देखा AT1T2 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये X=-A पे मिलेगी, सो इससे व्हाट वी कैन से दैट टेंजेंट ड्रोन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड मीट एट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं, हमने अभी देखा कि स्लोप किसी पॉइंट पे वो 1/T होती है, तो 1/T1 इसकी स्लोप हो गई, इसकी 1/T2 स्लोप हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, T1 T2 माइनस 1, सो -1 हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों का जो M1 M2 आ रहा है वो -1 आ रहा है, इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दिस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो इससे हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी आ गई जो यूज हो सकती है। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ पैराबोला, सॉरी, टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड दे आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई होप समझ में आता है। ठीक है, एक तो इसका कभी कभी यूज हो सकता है, ठीक है। और एक और सिंपल सी चीज है कि जैसे मान लो ये पैराबोला है, ठीक है, तो अच्छा ये तो डेफिनेशन ही है, इनफैक्ट ये कोई भी पॉइंट पी है, ये फोकस है, एंड ये मान लो डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इक्वल टू माइनस ए, दिस इज ए कोमा जीरो, दिस इज 80 स्क्वायर कोमा 280, और एक्स कोमा वाई, अगर यहाँ से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की जाए, तो जो पी एस होगा, लेट अस कॉल दिस एन, देन पी एस विल बी इक्वल टू पी एन, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है, मीन्स किसी भी पॉइंट की, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये सब इनफैक्ट सभी कोनिक की डेफिनेशन है। इस क्या होता है, पी एस इक्वल टू ई पी एन, ई इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दैट कोनिक, पैराबोला केस में क्या होता है, ई हो जाता है 1, ठीक है। तो एक ये हो गई। थर्ड चीज क्या है कि मान लो ये हमारे पास पैराबोला है, ये नहीं है पैराबोला, ठीक है, लेट अस से दिस इज पैराबोला, ठीक है। अगर इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ये मान लो पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और ये फोकस है, इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये बेसिकली बाइसेक्ट करती है इन दोनों को, मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है भाई। किसी भी पॉइंट, इफ देर इज ए पॉइंट पी ऑन पैराबोला एंड ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट, देन टेंजेंट बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये आसानी से प्रूव किया जा सकता है टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट से ही, ठीक है। सो बस ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो हमारे पास यूज होगी, ठीक है। हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो जनरली इस टाइप होगी, जैसे थ्रो करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला पैराबोला यूज होगा हमारे पास, अगर इसको एक्स एक्सिस ले लिया जाए, इसको वाई एक्सिस ले लिया जाए। देखो ये जो पैराबोला है, इस टाइप का जो पैराबोला होगा, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ठीक है। और अगर कोई पैराबोला इस टाइप का है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो इस पे जो होगा, इस पे अगर जनरल पॉइंट लिया जाए तो ये क्या होगा, देखो वाई को 80 स्क्वायर करेंगे तो 1 280 आ जाएगा। इस पे भी जैसे अगर वाई को 80 माइनस 80 स्क्वायर करते हैं वाई को, तो ये आएगा 280, तो 280 कोमा माइनस 80 स्क्वायर, ये इस पे जनरल फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पैराबोला। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री इसकी क्या होगी, ठीक है। ऑफकोर्स पैराबोला होगा तभी तो पैराबोला इतना डिस्कस किया, ठीक है। तो देखो ये मान लो यहां से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, इस टाइप से उसकी ट्रेजेक्ट्री है, और ये यहाँ पे ये हॉरिजेंटल प्लेन है, इसको वापस इसने हिट कर दिया, दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। एंड ये पूरा वर्टिकल प्लेन है, ये मान लो ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वर्टिकल प्लेन, मीन्स ग्रेविटी इसमें डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। मान लो किसी टाइम पे जो है पार्टिकल यहाँ पे जो थ्रो किया हमने, जिसका मास एम है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, ठीक है। तो देखो इसमें वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है, वेलोसिटी वी इज नथिंग बट डी एक्स ओवर डी टी, और एक्सलेशन को अगर ऐसे डिनोट करें तो वी डिफाइन दिस बाय डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, और वी कैन से डी वी ओवर डी टी, और इसको वी डी वी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो ठीक है इसका ही यूज होना है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो एक्सलेशन है डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो जो एक्सलेशन है, यहाँ पे एक्सलेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो, या पहले ऐसा कर लेते हैं, लेट अस से कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन ए इन एक्स डायरेक्शन। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, अगर मान लो ए है ये, दिस शुड बी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर और डी टी स्क्वायर, बट ये तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू
या इसको ऐसा बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू ए टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टी इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ए टी इक्वल्स टू जीरो, मान लो जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स है वो एक्स नोर है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी टी, अच्छा वेलोसिटी, वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी इज वेलोसिटी। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स नोर है और वेलोसिटी जो है वो मान लो यू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स जीरो प्लस टी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी क्या है यू है। ओके ये वेलोसिटी, अब टी इक्वल्स टू अगर जीरो पुट किया जाए इसमें, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी यू है, तो यहाँ से वी कैन से दैट सी इज यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यू इक्वल्स टू डी एक्स और डी टी इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, और ये डी एक्स और डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी एट एनी टाइम, सो ऐसा बोल सकते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो दिस इज अ वेल नोन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी फॉर कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए अगर, ठीक है, अगर इसी को और आगे बढ़ा दिया जाए इस वाली इक्वेशन को, लेट्स कॉल दिस इज वन। अब इसको देखो और इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा ए टी स्क्वायर बाई टू, यू कॉन्स्टेंट है यू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी टू। अब टी इक्वल्स टू जीरो पे जो एक्स है वो एक्स नोर बोला है हमने, सो दिस इज एक्स नोर जीरो प्लस जीरो प्लस सी टू, तो सी टू इज एक्स नोर, ठीक है। तो यहाँ से वट वी कैन से दैट एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस यू टी प्लस एक्स नोर, और इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए तो x माइनस एक्स नोर इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया, मतलब इनिशियली मान लो पार्टिकल x डायरेक्शन में मूवमेंट देख रहे हैं हम और कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से हो रहा है, इनिशियली x नोर पे अभी x पे, तो बेसिकली देखा जाएगा तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, लेट अस डिनोट दिस डिस्प्लेसमेंट बाई s, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फॉर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, ठीक है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन वी कैन डिराइव, थर्ड इक्वेशन क्या होगी, इफ वी गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो वी स्क्वायर हमने देखा यू प्लस ए टी आया, तो इसका स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी माइनस यू स्क्वायर हो गया ये। अब देखो यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर हो गया कैंसल, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, अगर इसमें से 2a बाहर ले लिया जाए तो यहाँ बच गया यू टी प्लस, यहाँ हो गया 1 बाई टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज यू स्क्वायर प्लस 2a, ये तो पर हमने अभी देखा दिस इज नथिंग बट s, तो दिस इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक्स है, 12th में पढ़ा ये सब हमने, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन का यूज है बस हमारे पास इसमें, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, दिस इज एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए ये, ठीक है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ओके आई वे समझ में आता है। अब देखो अब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसमें क्या हो रहा है, इस टाइप से है, लेट अस से जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है जिससे कि इसको प्रोजेक्ट किया गया अल्फा एंगल पे, ठीक है। ओके लेट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एंड दिस इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस टाइप से कुछ प्रोजेक्शन होगा इसका, इस टाइप से ही आएगा, ठीक है। मान लो ये जो है इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो टेंजेंट होगी दैट विल गिव अस द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी यहाँ पे, ये मान लो ये अल्फा है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो यू है, ठीक है।
और ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी। अब देखो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू है अल्फा डायरेक्शन में, तो अगर एक्स डायरेक्शन में ये एक्स मान लो, दिस इज वाई एंड दिस इज ओ, तो अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यू कोस अल्फा हो जाएगा इसका कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स डायरेक्शन में ये है। अगर एक्स डायरेक्शन में जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की है वो अगर लिखी जाए तो वी वी एक्स जो होगा किसी भी टाइम पे वो क्या हो जाएगा, यू कोस अल्फा प्लस एक्सलेशन। अच्छा एक्सलेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और कोई फोर्स नहीं है ना ही कोई एयर का रेजिस्टेंस है। दीज आर द आवर अजम्पशंस हियर। ठीक है, तो ये जीरो है, इसका मतलब जो वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है वो हमेशा यू कोस अल्फा रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई सा ही पॉइंट ले लो इसमें जो वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट है वो यू कोस अल्फा ही होगा। ठीक है, ऐसे अगर वाई कॉम्पोनेंट की बात की जाए, वी वाई क्या होगा, दैट इज इनिशियल यू साइन अल्फा है माइनस ए टी जी टी हो जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन यहाँ पे क्या है, ए इज नथिंग बट माइनस जी, क्योंकि वाई डायरेक्शन ये पॉजिटिव ले रहे हैं हम, तो जी जो है नेगेटिव वाई में वर्क कर रहा है, सो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस जी लेना पड़ेगा, तो वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो अगर किसी भी मान लो ये पॉइंट है टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो यू कोस अल्फा ही रहेगी, पर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। ओके, तो और ये मान लो ये एंगल यहाँ पे, मान लो ये एंगल बीटा है इस समय वेलोसिटी का, जो भी नेट वेलोसिटी है, तो यहाँ से वी कैन से दैट जो इसकी डायरेक्शन होगी टेन बीटा, दैट विल बी नथिंग बट यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कोस अल्फा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये डायरेक्शन शो करेगा किसी भी पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल है उसमें जो डायरेक्शन होगी उसके वेलोसिटी की, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फ्रॉम ओरिजेंटल, सो टेन बीटा विल बी गिवन बाई दिस बाई वी वाई, दिस दिस इज वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, वी वाई इज यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी एक्स, दैट इज दिस। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज आएगी हमें। और इसमें देखो अगर इसमें एक्स मान लो किसी भी टाइम पे एक्स कॉमा वाई पे है यहाँ पे, तो अगर एक्स की बात की जाए तो एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू मतलब यू कोस अल्फा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कोस अल्फा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो एक्स डायरेक्शन में, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ऐसे वाई की बात करें तो क्या आएगा, यू साइन अल्फा टी, भाई यहाँ पे वेलोसिटी यू साइन अल्फा है, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सलेशन माइनस जी है एंड टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ओके, सो नाउ अब यहाँ से देखो, अब इसमें से अगर देखा जाए तो ये एक्स क्या आ गया हमारे पास, यू कोस अल्फा टी एंड वाई इज यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वेयर टी इज ए पैरामीटर, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है इनफेक्ट इसकी। ठीक है, और इसको देख के समझ में आता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म से भी वी कैन टेल कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी ये वाई स्क्वायर वाले को उसमें हो रहा था, तो एक्स स्क्वायर में ऐसा कुछ होगा ए टी बी टी स्क्वायर, इस फॉर्म का पैरामीटर होगा उसका, तो उसी फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज इनफेक्ट इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, अगर इसको इसमें से टी एलिमिनेट कर दिया जाए देन विल गेट द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो यहाँ से टी तो एलिमिनेट किया जा सकता है, टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यू कोस एल्फा, राइट, वो इसमें पुट कर दिया जाए तो यू साइन एल्फा एंड एक्स डिवाइड बाई यू कोस अल्फा माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, सो वाई इक्वल्स टू टेन अल्फा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है,
और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो ये याद रहे तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो भी डायरेक्ट क्या करना है, एक्स की इक्वेशन लिखनी है, वाई की वर्टिकल नेट कर देना। सो इसका बहुत यूज होने वाला, ठीक है, जो 18 में क्वेश्चन आया था वो इससे हो जाता है आई थिंक। ठीक है, अब देखो ये आ गए हमारे पास ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा इस फॉर्म में ले लिया जाए, देखो ये इस इक्वेशन को वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अगर इस फॉर्म में लिख दिया जाए, ये पैराबोला कौन सा है, दिस इज दिस पैराबोला, अगर -4ay कर दें यहाँ पे तो दिस विल बी दिस फॉर्मूला, दिस पैराबोला, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लाना है, तो वो वी कैन डू दैट। कैसे, y इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर अल्फा, इसको ले लिया कॉमन ये पूरी टर्म को, तो अंदर क्या रह गया, x² माइनस 10α डिवाइड बाई, जो भी कॉमन ले लिया हमने, जी 2u² cos स्क्वायर अल्फा x, ठीक है। और इसको वी कैन राइट y इक्वल टू माइनस जी अपॉन, अच्छा देखो हमें ये सब कांस्टेंट टर्म y के साइड में ले जाना है वैसे, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे ही लिख दिया जाए, उसको इधर ही ले लेते हैं, x² माइनस 10α को वी कैन राइट साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, सो दिस इज 2u² साइन अल्फा, एक कोस अल्फा हो गया कैंसर, डिवाइड बाई जी एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, 2u² कोस स्क्वायर अल्फा बाई जी वाई, ठीक है, विद माइनस साइन। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, इसको वी कैन राइट एक्स माइनस हाफ ऑफ दिस टर्म दैट इज u² साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो x² प्लस y² माइनस 2x, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये प्लस हो रहा है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा इसके स्क्वायर को, दैट इज u⁴ साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई g² दिस इज इक्वल टू माइनस 2u² जी कोस स्क्वायर अल्फा वाई। राइट, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो दिस इज एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन, अच्छा यहाँ पे 2 तो है ना, 2 तो चला गया, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं, अगर देखो माइनस 2u² बाई जी कोस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिया सा है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो दिस इज वाई माइनस यू स्क्वायर, ये टर्म चला गया कॉमन में, वो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा एंड एक्स जी, तो दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, क्योंकि एक 2 भी तो है बाप, राइट अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u⁴, 2 से 2 कट गया, u⁴ साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर जी स्क्वायर, यस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये जो पैराबोला है, दिस इज द ट्रेजेक्टरी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर किया जाए, कंपेयर विथ x² इक्वल्स टू माइनस 4ay, अगर इससे कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो ये इसमें देखो क्या होगा, इसका मतलब अगर ये x है हमारे पास जो है, ये पैराबोला था, ठीक है, ये जो इसका ना 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 दिस इज नॉट दिस पैराबोला, ये पैराबोला कौन सा है, ये पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है, दिस इज x² इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो इसका जो एक्सिस है वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला विल बी x इक्वल्स टू 0 बाई y एक्सिस है, और वर्टेक्स क्या होंगे, x 0 y 0, अगर इसके वर्टेक्स की बात की जाए तो वर्टेक्स क्या होगा, x = 0 एंड y = 0, इसका क्या मतलब होगा, अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो स्मॉल x इक्वल्स टू ये पूरा पार्ट 0 मीन्स स्मॉल x इक्वल्स टू u² साइन एस अल्फा कोस अल्फा बाई जी एंड y इज इक्वल्स टू दिस u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, सो दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है, आई होप क्लियर है, सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें देखो और क्या, अगर एक्सिस की बात करी जाए तो x = 0 मीन्स दिस विल बी एक्सिस ऑफ दिस, ठीक है,
और क्या चाहिए हमें, लेटस रेक्टम की बात की जाए, लेटस रेक्टम तो वो क्या होगा, 4a, 4a मतलब जो यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया पूरा। सो दिस इज बेसिकली लेटस रेक्टम, 2u² / g, 2u² / g cos² α, सो दिस इज लेटस रेक्टम। और क्या चाहिए हमें, वर्टेक्स आ गया इसका, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स देखो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अगर इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो ये होगी y इक्वल्स टू, दिस इज y एक्सिस, y इक्वल्स टू a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इसमें देखो y इक्वल्स टू a मीन्स ये पूरा y है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, कैपिटल y इक्वल्स टू a, और कैपिटल y की जगह ये है y माइनस, अब डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात की जाए तो दिस इज वाई माइनस u² / 2g sin² α, दिस शुड बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहां से देखो ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है u² / 2g cos² α, और व्हाट वी कैन से दैट वाई इक्वल टू, ये इधर जाएगा u² / 2g कॉमन, sin² α cos² α हो गया 1, सो दिस इज u² / 2g। तो इससे व्हाट वन व्हाट वी कैन से दैट डायरेक्ट्रिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, शो दैट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो अल्फा एंगल जिससे हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ठीक है, u² / 2g, ठीक है। तो हमेशा जो है अगर u कांस्टेंट है तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो जाएगी, बिकॉज एंगल पे तो डिपेंड नहीं कर रही, किसी भी एंगल से भेज दो अगर कांस्टेंट u है तो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस वर्टेक्स से u² / 2g ही होगी, वर्टेक्स से, नोट फ्रॉम वर्टेक्स बेसिकली, हाँ हाँ वर्टेक्स जो होगा पैराबोला उससे, तो उससे कॉन्स्टेंट नहीं होगी, उससे तो डिस्टेंस उसकी ए होगी, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होगी वो वाई इक्वल्स टू दिस मीन्स वाई इक्वल्स टू दिस होगी, मीन्स वाई इक्वल्स टू u² / 2g, मीन्स डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ओके ठीक है। सो ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल में कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, ये हमारे पास y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। ये अच्छा इसकी पीक पॉइंट है, इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस हाइट को लेट अस डिनोट बाय h, ठीक है। तो ये h है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसने ये जो डिस्टेंस जहाँ पे ये वापस स्ट्राइक किया, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की इसने r, ये इसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये अभी हमें निकालनी है कि व्हाट विल बी रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट। तो देखो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखी जाए, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी जा है तो क्या है, देखो v² = u² + 2as, ये हमने डिस्कस किया। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जो कि हमेशा u cos alpha ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u sin α, भाई इस डायरेक्शन में u sin α होगी, का स्क्वायर -2g, और हाइट ये जो है h, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से दैट एच इज नथिंग बट u² sin² α/2g, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट जो हाइट होगी वो क्या होगी, u² sin² α/2g, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट हाइट। ऐसे ही अब रेंज पता कर सकते हैं, देखो रेंज पे क्या होगा, जब ये पार्टिकल वापस यहाँ स्ट्राइक कर रहा होगा तो जो डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, बाई इस हाइट सॉरी नोट हाइट जो होगी वाई वाई डायरेक्शन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, भाई वाई डायरेक्शन में यहाँ था और अभी भी वाई डायरेक्शन तो जीरो ही है, मतलब इनिशियली जीरो थी तो अभी भी जीरो है, इनिशियली एक्स नो होती तो अभी भी उसी डायरेक्शन में वाई में,
तो इसका मतलब इसका अगर वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी जाए तो जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू साइन अल्फा यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई। अब देखो इसका क्या मतलब होगा कि वाई जीरो होगा या तो टी इक्वल्स टू जीरो पे या टी जो इससे आएगा, इससे दो वैल्यू आ रही है, टी इक्वल्स टू जीरो और टी इक्वल्स टू टू यू साइन अल्फा बाई जी, ठीक है। सो बट टी इक्वल्स टू जीरो तो वो टाइम है जब हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये तो ट्रिवियल हो गया हमारे लिए, ठीक है। सो बेसिकली जब इस ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्टाइल वापस यहाँ स्ट्राइक करेगा, लेट अस से दिस इज ए एंड बी, ये डिस्टेंस हमने आर बोली है, तो यहाँ से यहाँ जो इसको टाइम आ रहा है, ये जो टाइम है ये लेट अस डिनोट दिस बाय कैपिटल टी, दिस इज कमिंग आउट टू बी टू यू साइन अल्फा बाई जी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मतलब दिस इज द टाइम जिसमें उसने फ्लाई करके वापस ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टू यू साइन अल्फा बाई जी। और अगर हाइट एच तक की बात करें, यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो इसका हाफ लगेगा, वो भी ऐसे कर सकते हैं। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देखी जाए तो इनिशियली यू साइन अल्फा है माइनस ए टी, मतलब माइनस जी टी, दिस शुड बी जीरो, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फा बाई जी, तो ये इसका हाफ ही है। सो दिस इज द टाइम जब हाइस्ट हाइट पे होगा प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल, ठीक है। तो ये समझ में आता है, सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस आर ट्रेवल कर ली, तो अगर एक्स डायरेक्शन में लिखा जाए एक्स कॉम्पोनेंट, तो एक्स इक्वल्स टू यू टी, दैट इज यू कोस एल्फा टी, और एक्सलेशन तो कुछ है नहीं, वो टी क्या हो गया यहाँ पे, यू कोस एल्फा टी इज नथिंग बट दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टू यू साइन एल्फा बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से कि इसकी रेंज क्या होगी, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से, द रेंज होगी दैट इज नथिंग बट टू यू साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी, ठीक है। और इसको वी कैन राइट यू साइन टू अल्फा बाई जी, दिस इज द रेंज, ठीक है, क्योंकि टू साइन अल्फा कोस अल्फा इज साइन टू अल्फा। तो आई होप समझ में आता है, ग्रेटेस्ट हाइट वी नो नाउ, वी नो द रेंज, दिस इज रेंज, ठीक है। अच्छा देखो, मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब u बाई जी तो वैसे भी कांस्टेंट हो गया फॉर ए गिवन प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, अगर मान लो सिर्फ अल्फा वेरी कर रहा है, तो उसके लिए r मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू अल्फा मैक्सिमम होगा, साइन टू अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, सो दिस इज द r मैक्सिमम, आई थिंक दिस इज u स्क्वायर, हाँ u यहाँ से भी है यहाँ से भी है, सो दिस इज u स्क्वायर, राइट, u स्क्वायर बाई सी, यस, सो दिस इज यू स्क्वायर, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज विल बी यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। और ये कब मिलेगी हमें, जब साइन टू अल्फा होगा 1, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मतलब साइन पाई बाई टू, इसका मतलब टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर, मीन्स जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारा होगा वो अगर पाई बाई फोर होगा ना, देन जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई जी। आई होप क्लियर है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें रेंज होगी, हाइस्ट रेंज हो, हाइस्ट ग्रेटेस्ट हाइट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी जा सकती है, देखो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यू स्क्वायर साइन टू पाई बाई टू माइनस एल्फा बाई जी, ऐसा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या क्या हो जाएगा, ये साइन पाई माइनस टू एल्फा, बट साइन पाई माइनस टू एल्फा इज नथिंग बट साइन टू एल्फा, इसका मतलब दो एंगल होंगे जिन पे जो रेंज होगी वो सेम आएगी, देयर विल बी टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। रेंज इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, अगर एक एंगल एल्फा है तो दूसरा क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एल्फा, ठीक है। आई होप समझ में आता है, सो ठीक है। अब लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस, या इसमें एक एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते पहले। मान लो ये है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमने देखा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इज वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। और यहाँ पे ये वेलोसिटी मान लो इसकी वी है, और इनिशियली ये यू वेलोसिटी थी, ठीक है, ये मान लो एल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अभी ये यू वी है वेलोसिटी, ठीक है।
तो देखो इसमें ये एक्स डायरेक्शन में तो यू कोस अल्फा रहेगी, और वाई डायरेक्शन में तो ये हमने डिस्कस किया दिस विल बी यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ठीक है, तो अगर वी के मॉडुलस की बात करें, वी क्या होगा यहाँ पे, यू कोस अल्फा वी इज नथिंग बट यू कोस अल्फा आई के, अगर ये एक्स एक्सिस है मान लो और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे के। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसके मॉडुलस की बात करें तो क्या आएगा, यू कोस अल्फा का स्क्वायर राइट प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोला जा सकता है, और यहाँ से वी कैन से दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो हो गया यू स्क्वायर, और प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन अल्फा। ठीक है, तो इसको यू स्क्वायर माइनस टू जी को अगर बाहर ले लिया जाए, ठीक है, टू जी को बाहर ले लिया जाए तो ये हो गया यू साइन अल्फा टी एंड दिस इज माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, यस। तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस टू जी, और दिस इज नथिंग बट वाई कॉम, अगर इसके मान लो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, दिस इज नथिंग बट वाई वाई डिस्टेंस, तो इसको बोल दो वाई, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई। तो अगर हमें एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में रिलेशन नहीं चाहिए, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम चाहिए, तो वो उसके लिए इक्वेशन ये है। ठीक है, सो वी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई। ठीक है, इसमें देखो एल्फा इन्वॉल्व नहीं है, इन केस हमें एल्फा नहीं गिवन है, सिर्फ हाइट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, देन वी कैन नो द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आई समझ में आता है, दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, वेलोसिटी एट एक्स कॉमा वाई, ओके। अच्छा, अब देखो अगर इसमें यू स्क्वायर बाई टू जी, अच्छा मान लो ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है, अगर मान लो ये हाइट वाई है, मान लो ये हाइट वाई है और ये यू स्क्वायर बाई टू जी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, ये तो वाई इक्वल टू जीरो है, ये हाइट वाई है, तो ये जो हाइट होगी ये क्या होगी, और ये होगी यू स्क्वायर टू जी माइनस वाई, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज किया जाए, अगर टू जी से डिवाइड कर दें, वी स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये यही तो चीज़ है, तो अगर मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल, मान लो यहाँ से अगर उसको बेसिकली डिसेंड कराया जाए, यहाँ से मान लो जीरो वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को रिलीज किया गया, तो उसको वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये होता है। तो अगर इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है उसकी, ठीक है, और वो यू हमें देखनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी देखनी है, तो टू एक्सेलरेशन जी है और हाइट जो है हमारे पास ये गिवन है यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू जी से हो गया टू जी कैंसल माइनस टू जी वाई। ठीक है, सो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगी वो वही होगी जो होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका इक्विवेलेंट सिस्टम ये भी बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो वाई डिस्टेंस पे जब आएगा, एक्स को वाई पे आएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज सिमिलर टू अ पार्टिकल इफ दैट पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड द वेलोसिटी इट गेट्स द वेलोसिटी इट हैव व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट दैट विल बी सेम एज द वेलोसिटी दिस पार्टिकल हैज एट एक्स कॉमा वाई। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि ये हमने देखा कि किसी भी जनरल पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, प्लस वी नो दैट ये अगर प्रोजेक्टाइल है तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, दैट इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय टू जी।
तो इस पॉइंट पे अगर मान लो यहाँ से किसी पार्टिकल को, किसी कोई भी पार्टिकल है उसको अगर रिलीज किया जाए, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी उसकी वो सेम ही आएगी, जैसा कि ये प्रोजेक्टाइल जो होता है उस प्रोजेक्टाइल के थ्रू भी भेजेंगे उस पार्टिकल को, जो वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी वही वेलोसिटी अगर किसी दूसरे सिमिलर वेट के पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया जाए तो उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे आने तक वही रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप ये प्रूव किया, प्रूव पूछा जा सकता है इस टाइप का। ठीक है, तो समझ में आता है। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस नाउ। ओके,